एवरीवन, आज की रेसिपी है केले के कोफ्ते की करी, जिसका प्रेजेंटेशन मलाई कोफ्ते जैसा होगा, लेकिन इसमें बिना आलू प्याज और लहसुन की बनाया है मैंने इसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कच्चे केले लिए थे और इन्हें बॉईल कर लिया है। इसे बहुत ईजीली पील ऑफ कर देंगे और एक किसनी से मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। ये कोफ्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और इसकी बॉल्स बनाकर देखी हैं। देखिए ये इजीली बॉल्स बन रही हैं, मैंने इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया है। अब मैं साइड में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं मैंने, काजू और किशमिश। इन कोफ्तों के बीच में मैं बॉल्स के बीच में इन्हें फिल करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको ये फिल करना है या नहीं। मैंने इसमें काजू और किशमिश को फिल कर छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर ली हैं और 2 केले से मेरी 6 से 7 बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है और धीरे धीरे इन बॉल्स को ऑयल में छोड़ दिया है। गर्म होने के बाद ऑयल गर्म हो गया है, तब मैंने इन बॉल्स को इसमें छोड़ा है। इसे डायरेक्ट हम टर्न नहीं करेंगे, छोटी सी चम्मच से मैं हल्का हल्का ऑयल इनके ऊपर डालकर इन्हें अच्छी तरह से एक तरफ सेक रही हूँ, फिर इन्हें पलटाएंगे। थोड़ी ही देर में देखिए हमारी छोटी छोटी बॉल्स अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई हैं, ब्राउन कलर आ गया है और तैयार हो गई है। अब मैंने एक प्लेट में अलग से निकाल के तैयार रख लूंगी। सॉरी, बॉल्स को मैंने धीरे धीरे टिश्यू पेपर में निकाल लिया है एक प्लेट में और साइड में रख दिया है। अब ग्रेवी के प्रिपरेशन के लिए मैंने 3 से 4 काजू लिए हैं, 1 छोटी हरी इलायची, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक और पीसेस किए हुए टमाटर को जार में डाला है और मैंने बहुत अच्छा स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है, खसखस, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को ऐड किया है और सारे मसालों को अच्छी तरह से भूंज लिया है। अब मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूंगी और मसालों में अच्छी तरह से मिलाऊंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून, और ग्रेवी को ढककर पकाने के लिए छोड़ दिया है। 5 से 7 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ ग्रेवी पकी है कि नहीं। इसमें मुझे लगता है मुझे अभी 5 मिनट और कुक करना है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं दिख रहा है। 5 मिनट बाद मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए ग्रेवी में ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है। मैंने 1 स्मॉल टीस्पून शुगर ऐड किया है, गरम मसाला और कसूरी मेथी। ग्रेवी को अच्छी तरह से चलाएंगे और फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मलाई ऐड किया है। मलाई ऐड करने के बाद मैंने 2 चम्मच कुनकुना पानी तैयार रखा था उसको ऐड किया है। ये देखिए ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। एक प्लेट में मैंने कोफ्ते रखे हैं और ऊपर से ग्रेवी को सर्व किया है और लास्ट में मैंने इसे फ्रेश क्रीम से गार्निश किया है। इसे आप नान के साथ या पराठे कुलचे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और मेरी होममेड नान की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे मैंने बिना तंदूरी या ओवन के तैयार किया।